हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नागरिक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने की मुहिम में आज उस समय एक और अध्याय जुड़ गया, जो मुख्यमंत्री ने शस्त्र लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने को हरी झंडी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शस्त्र लाइसेंस पर बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शस्त्र लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाए। इसके लिए NIC, नागरिक संसाधन सूचना विभाग और गृह विभाग मिलकर कार्य करें। बैठक में मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया गया कि एक दो महीने में पूरी प्रक्रिया को दुरुस्त कर लिया जाएगा और 1 जुलाई को ये पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वहीं इस बैठक में निर्णय लिया गया कि शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पुलिस विभाग से कम में 1 सप्ताह की शस्त्रबारी और फायरिंग की ट्रेनिंग लेनी होगी। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि आरंभ में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मधुबन, करनाल, भुंडसी, गुरुग्राम, सुनारिया, रोहतक के अलावा हरियाणा पुलिस के सिरसा, नारनौल, जींद और कुरुक्षेत्र की फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसके साथ ही लाइसेंस के आवेदन करने वालों को ट्रेनिंग का विकल्प भी भरना होगा। ट्रेनिंग के बारे में आवेदक के मोबाइल पर मैसेज भी भेज दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं और इस अधिनियम में वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में संशोधन भी किए गए हैं। अधिनियम के अनुसार पहले शस्त्र लाइसेंस फसलों की सुरक्षा के लिए और व्यक्ति की खुद की सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। वर्तमान में शस्त्र लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष की है। पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों को भी नियमानुसार रिटेलर लाइसेंस दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि लाइसेंस श्रेणियाँ प्राथमिकता के आधार पर वर्णित हो और प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो। सभी जिलों के शस्त्र लाइसेंसों के डाटा की समीक्षा नियमित आधार पर की जाए। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, प्रधान सचिव विमा शंकर, गृह विभाग के साथ साथ मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल, IG CID आलोक मित्तल, गृह विभाग के विशेष सचिव AS मान और NIC के अधिकारी भी उपस्थित थे। जनता TV के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।